नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आमटेक सॉल्यूशन में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अलग अलग वीडियो लाता रहता हूं एलईडी बल्ब बिजनेस के बारे में और अलग अलग इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देता रहता हूं। आज मैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूं। बहुत से दोस्त हमारे कमेंट करते हैं, फ़ोन करते हैं, हमको व्हाट्सएप करते हैं कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमारा सेलिंग नहीं हो रहा है और इसमें प्रॉफिट कितना है, हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो मैं उसी का जवाब लेके आप लोग के पास आया हूँ। दोस्तों मुझे इस बिजनेस में लगभग 2 साल से ऊपर हो गया है और जहाँ तक मुझको पता है कि अगर आप शुरू में प्रॉफिट के पीछे भागेंगे तो आप एक ब्रांड नहीं बना पाएंगे। जो आप कमेंट में या कॉल करके आप लोग कहते हैं कि मुझे भी अपना ब्रांड बनाना है, मैं कैसे बनाऊँ, वो चीज़ नहीं कर पाएंगे अगर शुरू में प्रॉफिट के पीछे आप गए तो। और उसके बाद हम आ जाते हैं बिजनेस पे, इसको करना कैसे है। शुरू में आप तो माल कहीं से भी मंगाएंगे, उसके बारे में आपको पता नहीं रहेगा कि कैसे, कौन सा यूज हमको ड्राइवर करना है, कौन सा हाउसिंग किससे मंगाना है, रैपर बॉक्स कैसे रहना चाहिए। लेकिन आप जब भी स्टार्ट करें, जैसे भी स्टार्ट करें, उसमें इम्प्रूवमेंट देखना चाहिए। इम्प्रूवमेंट देखने का मतलब है कि बदलाव आप करते रहिए। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी ना लगे तो उसको बदलते रहिए। अच्छी क्वालिटी वाला मटेरियल हमेशा ढूंढते रहिए कहाँ से मिलेगा। अगर अच्छी क्वालिटी का मटेरियल आपको मिल जाता है तो उसको कंटिन्यू रखिए, फिर उसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक कि उसमें प्रॉब्लम ना आए। अगर आप हमेशा बदलते भी रहें उस चीज़ को, अपने मटेरियल को, तो ये होगा कि एक जगह आप कंटिन्यूस नहीं चला पाएंगे और 10 जगह से माल लेंगे तो 10 उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ उसमें पहले मैं क्या यूज करता था। अभी देखिए ये हमारी पहले की हाउसिंग जो है, ये आमटेक सॉल्यूशन नाम से था हमारी जो कंपनी थी, जो कि ये रजिस्टर था, कहीं पे रजिस्टर था। जब मैंने LLP कराने गया तो मैं देखा वहाँ वो लोग बताए कि आमटेक नाम से वो रजिस्टर है, आप दूसरा करा लीजिए। इस हाउसिंग में एक प्रॉब्लम ये था कि ये रफ हो जाता था जल्दी, ये रफ हो जाता। तो मैं सर्च कर रहा था कि मैं कहाँ से फिर माल मंगाऊँ, किन लोगों से लूँ कि ये रफ ना हो, तो मैं दूसरे जगह से मंगाया। फिर मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। मैं फिर ये यूज किया, अभी जो ये हमारा अल्फेड नाम का है, तो अल्फेड वाला हमारा बराबर था, सही था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये हमारा पूरा बहुत अच्छा वाइट है, इसमें शाइनिंग भी है, इसमें से कहीं शिकायत नहीं आई हमारी। तो हमने ये चेंज किया। फिर मैं आपको रैपर बॉक्स दिखा देता हूँ। हम रैपर बॉक्स ये यूज करते थे, इसमें प्रॉब्लम ये था कि 7 वाट और 9 वाट हमने एक ही पे करा रखा था। इधर 9 वाट हो गया, इधर 7 वाट हो गया, इधर देखिए 7 वाट और इधर 9 वाट। तो बहुत कंज्यूमर लोग थे, वो हम जहाँ देते हैं उन दुकान वालों से शिकायत कर रहे थे कि हम कैसे ये करें, ऐसा है आप। मैं हम फिर हम लोग इसको कलर करके देना चालू कर दिए जब यहाँ से शिकायत आने लगी। तो फिर वो भी नहीं अच्छा लगा। फिर जब हमने कंपनी अपनी बदली तो अलग अलग ही हमने करा लिया पूरा, और वो थोड़ा उसका कलर भी सही नहीं था। इसके लिए हम लोगों ने फिर इस टाइप का कराया, अल्फेड लाइटिंग लिखवाया, अल्फेड लाइटिंग सॉल्यूशन लिखवाया, इधर अपनी कंपनी का एड्रेस डलवाया, सारा चीज़ एक प्रॉपर तरीके से। फिर हमने ये 7 वाट और इधर भी 7 वाट और इधर भी 7 वाट, हमारा सब 7 वाट दिखेगा अगर 7 वाट का रैपर बॉक्स है हमारा। तो फिर आ जाते हैं हम ड्राइवर पर, जो हमारा LED बल्ब का सबसे मेन और ज़रूरी चीज़ है, जो फाल्टी बहुत होता है वो चीज़ है। ड्राइवर में हमको फाल्ट नहीं मिला, तो हम जहाँ से पहले मंगाते थे वहीं से ही ड्राइवर अब भी मंगाते हैं। ड्राइवर में चूंकि फाल्ट नहीं मिला, इसमें रिप्लेसमेंट बहुत कम है, इसके लिए मैं वहीं से कंटिन्यू किया। अगर मैं माल बहुत लोग फ़ोन किए कि आप हमारे यहाँ से माल ले लीजिए, आप हमसे ले लीजिए, कुछ कैश ऑन डिलीवरी आपको सुविधा मिल जाएगी, जब माल आपके यहाँ पहुँचेगा तब दीजिएगा, कुछ हमसे सस्ता ले लीजिए। तो अगर सस्ते के चक्कर में और कैश ऑन डिलीवरी के चक्कर में अगर आप रॉ मटेरियल अपना चेंज करते हैं तो ये होगा कि जितना आपको इधर फायदा नहीं होगा उतना नुकसान हो जाएगा अगर वो लोग माल कुछ गलत भेज दिए तो। जैसे मैं PCB यूज करता हूँ, PCB मैं वही यूज करता हूँ जो मैं पहले यूज कर रहा था। हाउसिंग बस मैं बदला और अपना रैपर बॉक्स बदला। उसके बाद मैं बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, जो हमारे प्रिंटिंग में मिस था। प्रिंटिंग में हमारे इधर अभी आपको डेट दिखेगा, इधर डेट का कोडिंग आपको दिख रहा है, इधर हमारा डेट का कोडिंग था और पहले वाले बल्ब में हमारा डेट का कोडिंग कुछ नहीं था।
अभी देखिए इसमें हमारा डेट का कोडिंग नहीं था, और इसमें एक प्रॉब्लम और था कि ये जो हमारा TM लिखा है, TM हमारा उस पर दिख नहीं रहा था, इसमें प्रॉब्लम था ये हमारा, तो हमने इसको चेंज करवाया। अभी हमारा देखिए ये TM भी दिखने लगा, इधर डेट का कोडिंग भी हमने डलवा दिया, तो ये हमने चेंज किया। ये सारा चीज़ आपको चेंज करना पड़ेगा, अगर कस्टमर की डिमांड से जो चीज़ चेंज करने लायक है आप चेंज करेंगे। और इम्प्रूवमेंट ऐसे ही होता है, एक ब्रांड में आदमी ऐसे ही जाता है। तो दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।